दोस्तों प्राइम वीडियो पर आज एक क्राइम ड्रामा थ्रिलर वेब सीरीज रिलीज हुई है। इसका नाम है बंबई मेरी जान। ये एक पीरियोडिक क्राइम थ्रिलर ड्रामा वेब सीरीज है जिसमें टोटल 10 एपिसोड है और सभी एपिसोड 35 से 50 मिनट्स के बीच की हैं और सभी एपिसोड एक साथ ही रिलीज कर दिए हैं, जो कि एक अच्छी बात है कम से कम इस सीरीज के लिए। तो बात करें कहानी की, तो वैसे मेकर्स ने कहा है कि ये एक फिक्शन यानी सच्चाई से इसका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जब आप ये सीरीज देखेंगे तब आपको पता चलेगा, पक्का यकीन हो जाएगा कि ये सीरीज हाजी मस्तान, पठान, दाऊद और उसकी फैमिली की कहानी है। मतलब दाऊद कैसे गैंगस्टर बना और कैसे उसने पूरी मुंबई में अपना खौफ हासिल किया है, ये सब डिटेल में बताया है। दाऊद के बाप का रोल किया है के मेनन, जो कि एक बहुत ही ईमानदार पुलिस ऑफिसर है और अपने धर्म को मानने वाला इंसान है, और कैसे वो खुद ही कानून के चंगुल में फंस गया और अपने परिवार को पालने के लिए उसको भी हाजी मस्तान की गैंग का हिस्सा बनना पड़ता है। फिर कैसे उसका बेटा बड़ा होता है और खुद भी हाजी मस्तान की गैंग ज्वाइन कर लेता है और धीरे धीरे एक एक करके वो हाजी मस्तान से भी बड़ा बन जाता है। यही इस सीरीज की कहानी है। मुझे इस सीरीज में हर चीज पसंद आई है, हर चीज, चाहे वो फैमिली इक्वेशंस हो, कानून और गैंगस्टर का रिलेशनशिप हो, हाजी मस्तान गैंगस्टर हो के भी ईमानदार हो, के मेनन की खुददारी हो, या फिर खुद दाऊद का स्वैग हो, या फिर दाऊद की बहन जिसका नाम हबीबा है उसका स्वैग हो, हर एक चीज अप टू द मार्क है। और एक ऐसी एंटरटेनर सीरीज है जिसको जब मैंने देखना शुरू किया तो देखते देखते सुबह के 5 बज गए। हाँ जी दोस्तों, ये सीरीज इतनी एंगेजिंग, इंटेंस, थ्रिलिंग और एक्शन से भरपूर है जिसको देख के भाई मजा आ गया। सीरीज के कैरेक्टर बिल्डिंग इतनी बढ़िया है कि हर कैरेक्टर के साथ आप इमोशनली कनेक्ट कर पाओगे और जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है उसे आप खुद भी महसूस कर पाओगे। सीरीज का स्क्रीन प्ले भी इतना एंगेजिंग है कि पहले एपिसोड से ही आप इसके साथ जुड़ते जाओगे और हर एपिसोड के एंड में एक अच्छा खासा क्लिफहैंगर है जिससे आप मजबूर हो जाओगे आगे के एपिसोड देखने के लिए। वहीं इस सीरीज इस तरह से प्रेजेंट किया गया है कि आप इस सीरीज के एक भी सीन को स्किप नहीं कर पाओगे क्योंकि एडिटिंग बहुत ही अच्छी है। बात अगर एक्टिंग की करें तो मुझे सबकी एक्टिंग अच्छी लगी, स्पेशली दाऊद, हाजी मस्तान और के मेनन की एक्टिंग। क्या एक्टिंग है भाई, दिल जीत लिया। और एक लंबे अरसे बाद एक अच्छी इंडियन क्राइम थ्रिलर वेब सीरीज देखने को मिली है जिसको शायद मिर्जापुर को टक्कर दे सकती है। अगर कोई नेगेटिव पॉइंट मिला है तो बस यही है कि सीरीज शायद थोड़ी छोटी हो सकती थी क्योंकि बीच में 7वां एपिसोड थोड़ा सा बोरिंग लगा है, और जहां पर दाऊद के भाई की स्टोरी आती है, और मेरे ख्याल से ये एपिसोड अगर नहीं होता तो भी सीरीज में कोई फर्क नहीं पड़ता था। और एक नेगेटिव पॉइंट है अमायरा दस्तूर, जिसने दाऊद की गर्लफ्रेंड का रोल प्ले किया है, लेकिन उसको इतना काम नहीं मिला है सीरीज में, और उसने जितना भी काम किया है वो स्क्रीन पर अच्छी दिख रही थी, तो मेरे ख्याल से उसको और काम देना चाहिए था। और हाँ, अभी आगे भी इस सीरीज के और भी सीजन्स आएंगे क्योंकि दाऊद की बहन अभी भी मुंबई छोड़ के नहीं गई है और छोटा राजन भी अभी स्टोरी में आ चुका है और दाऊद खुद भी दुबई के लिए निकल चुका है, तो शायद सेकंड सीजन में वहीं से आगे बढ़ेगा। और ये सीरीज आप फैमिली के साथ बिल्कुल नहीं देख सकते क्योंकि जैसे पानी बहता है ना, वैसे इस सीरीज में गालियां बहती है। एक भी डायलॉग ऐसा नहीं है जिसमें गाली ना हो, और सीरीज काफी वायलेंस है, इतनी वायलेंट है कि एक बार तो अपने मुंह पे आप हाथ रखोगे कि क्या हो रहा है। एग्जाम्पल के तौर पे एक बार दाऊद एक गुंडे के पिछवाड़े पे चाकू मार देता है, जो भाई इतना ब्रूटल लगता है, ऐसा लगता है कि क्या देख रहा हूं। वहीं कुछ जगह पर किसिंग सीन्स भी है, तो ये सीरीज फैमिली फ्रेंडली बिल्कुल नहीं है। ओवरऑल मैं इस सीरीज को रेट करूंगा 3.5 out of 5 स्टार। अगर इस रिव्यू में कहीं पर हमारी सोच मिलती है तो वीडियो को प्लीज लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ठोक दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।